अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं CNN के बारे में। जैसे कि पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था ANN के बारे में, आज हम देखने जा रहे हैं कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क के बारे में। तो इसके लिए भी जो हमें लाइब्रेरी चाहिए वो टेंसर फ्लो है, पर यहाँ पे मैं दूसरी टेक्निक लेकर आया हूँ कि आप इसको हैंडल कर सकते हैं डायरेक्टली विद केरास। वो आप कैसे कर सकते हैं, आप डायरेक्टली केरास से इम्पोर्ट कर लें, इम्पोर्ट केरास, और उसमें से जैसे कि हमें डेटा सेट इम्पोर्ट करना होता है वो कर लें। उसके बाद उसमें से लेयर्स कौन कौन सी हमें कॉल करवानी है। एक हमारे पास होती है डेंस लेयर, एक्टिवेशन जिसको हम एक्टिवेशन फंक्शन बोलते हैं, फ्लैटन, कॉन्व 2D और मैक्स पूलिंग 2D। इन सब के बारे में तो आपको पता ही होगा थ्योरी के लेक्चर्स से। अब हम चलते हैं मॉडल्स पे, केरास डॉट मॉडल्स। मॉडल हमें कौन सा चाहिए होता है? सिक्वेंशियल। सिक्वेंशियल क्यों चाहिए होता है? क्यों? सिक्वेंशियल क्लास के थ्रू हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और उसका इंस्टेंस क्रिएट करते हैं। फिर हम क्या कर रहे हैं, केरास डॉट यूटिल्स के थ्रू हम टू कैटेगोरिकल एक फंक्शन है उसे इम्पोर्ट कर रहे हैं, नंपाई और मैटप्लॉटलिब को इम्पोर्ट कर रहे हैं। हमारा पहला जो स्टेप होता है लाइब्रेरीज को इम्पोर्ट करने का वो हो गया। सेकेंड हमारा जो स्टेप है वो है ट्रेनिंग का। तो पहले हम इसको रन कर लेते हैं। अब इसमें भी आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप गूगल कोलैब यूज करें, और आप देखेंगे कि मैं आपको क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ कि गूगल कोलैब यूज करें। ये CNN का मॉडल मेरे पास भी बहुत टाइम लेने वाला है, तो ये इंपोर्ट कर रहा है लाइब्रेरीज को। सेकंड स्टेप हमारा क्या है, लोड करो डेटा सेट को, वो हमने रन कर दिया है। थर्ड स्टेप है हमारा शेप दिखाओ डेटा सेट की, वो हम रन कर रहे हैं। वो हमें यही शेप दिखाएगा जो कि हमारे पास पहले से यहाँ पे सीन है। उसके बाद है हमारे पास विजुअलाइज करो डेटा सेट को, कोई भी एक इमेज यहाँ पे इंडेक्स आप लगा दें वो उसको विजुअलाइज करके दिखाएगा, इसीलिए हमने PLT को इम्पोर्ट किया था। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि नॉर्मलाइज करो डेटा सेट को। नॉर्मलाइज क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि ये जो इसके पिक्सल्स हैं यहाँ पे अगर आप देखें वो कलरफुल फॉर्म में है। हम उनको अगर एक ग्रे स्केल में या एक सिंप्लीफाइड स्केल में लाना चाहते हैं तो फिर हम उसको 255 से डिवाइड कर रहे हैं। 255 ही क्यों? क्योंकि जो कलर्स की स्केल होती है वो होती है 0 से लेकर 255 तक, तो उसको एक स्पेसिफिक रेंज में लाने के लिए हम उसे 255 से डिवाइड कर रहे हैं, और उसे एस टाइप फ्लोट 32 इसमें भी कर रहे हैं कि अगर फ्लोट में भी कोई वैल्यू आ रही है तो वो भी एक्सेप्टेबल हो। उसके बाद हम रीशेप कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि इनकी साइज जो होती है वो होती है 28 बाय 28। अब अगर हम इसके आउटपुट की बात करें, अब यहाँ पे हम आउटपुट वेरिएबल्स को कैटेगरी में चेंज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें करनी क्लासिफिकेशन है, इसीलिए यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट बनाया, उसका इंस्टेंस क्रिएट किया सिक्वेंशियल क्लास के थ्रू। यहाँ पे अगर हम देखें ये 64 किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 64 रिप्रेजेंट कर रहा है फिल्टर्स को। फिल्टर्स क्या होता है? फिल्टर्स हमारे इनपुट फीचर्स को पढ़ते हैं और उसके बेसिस पे हमें एक ब्राइटनेस असाइन करते हैं। जिस फीचर का वेट ज्यादा होगा उसकी ब्राइटनेस ज्यादा होगी ग्रे स्केल में, क्योंकि वहां पे ब्लैक एंड व्हाइट ही होते हैं। अगर हम S3x3 की बात करें तो यह है कर्नल साइज। कर्नल साइज क्या होती है कि जो हमारा 2D कॉन्व विंडो है, कॉन्वोल्यूशनल विंडो जो बनेगा हमारा, उसकी विड्थ और हाइट क्या होनी चाहिए। और इनपुट शेप हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं 28 बाय 28। एक्टिवेशन फंक्शन हमारा लो होगा। मैक्स पूलिंग लेयर, उसमें हम पूल साइज को डिफाइन कर रहे हैं कि पूलिंग साइज हमारी क्या होनी चाहिए। उसके बाद फिर से हमने कॉन्व 2D क्रिएट की है और उसमें हमने अपना फिल्टर्स और कर्नल साइज को डिफाइन किया है। एक्टिवेशन फंक्शन हमारा सेम ही है, रेलो, मैक्स पूलिंग लेयर हमारी। उसके बाद फ्लैटन फंक्शन यूज किया है। फ्लैटन फंक्शन हमारा जितनी भी लेयर्स हैं हमारी पीछे वाली, उन सबको 1D में लेकर आ जाता है एक ही सिंगल लेयर में। उसके बाद हमने फुली कनेक्टेड लेयर बनाई है जिसमें 64 न्यूरॉन्स होंगे। उसके बाद 10 न्यूरॉन्स की हमने आउटपुट लेयर बनाई है और उसमें एक्टिवेशन फंक्शन यूज किया है सॉफ्ट मैक्स। ये इसकी समरी है, आप देख सकते हैं। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये कंपाइलेशन है, इसको हम रन कर लेते हैं।
यह हमारे पास रन हो गया, उसके बाद हम कंपाइल कर रहे हैं मॉडल को। उसके बाद इस स्टेप को मैं रन नहीं करने वाला क्योंकि यह बहुत टाइम लेगा मेरे पास। आप यहाँ पे देख सकते हैं सेकंड्स में यहाँ पे आपको डिफाइंड है। इसमें फर्स्ट में जो लॉस आ रहा है वो 0.26 है और उसकी एक्यूरेसी 0.90 है एज कम्पेयर टू ANN। फैशन एमनेस पे CNN अच्छा काम कर रहा है, क्यों? क्योंकि CNN मोस्ट रिकमेंडेड डेटा मॉडल होता है इमेजेस पे काम करने के लिए। इसीलिए इमेजेस पे जब भी आप काम करें आप CNN को ज़्यादा प्रियोरिटी दें किसी भी और मॉडल से। उसके बाद अगर हम इसकी टेस्टिंग एक्यूरेसी चेक करें तो वो हमारे पास आ रही है 0.9 टेस्टिंग एक्यूरेसी, और वो भी हमने सिर्फ 3 ईपॉक्स चलाए हैं। उसके बाद हम इसकी प्रिडिक्शन करवा रहे हैं कि एक कोई भी नंबर है उस पर हमें आप प्रिडिक्ट करके दिखाओगे कौन सी इमेज हो सकती है, और फिर उसको ही हमने PLT के थ्रू प्रिंट करवाया है उसकी साइज के बेसिस पे। दैट्स इट फॉर टुडे। अब आपका होमवर्क क्या है? आपका होमवर्क ये है कि जैसे आपने ANN पे Cypher 10 का डेटा सेट इम्प्लीमेंट किया था, यहाँ पे आपको CNN पे भी साइफर 10 का डेटा सेट इम्प्लीमेंट करना है और हमारे पास सेंड करना है। दैट इज इट। अल्लाह हाफिज़।